अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। अभी मैं नाश्ता करके तो बाहर आ गई थी, बाहर ग्रोसरी करनी थी और साथ मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। आज धूप तो निकली हुई थी लेकिन फिर भी ना सर्दी थी। अच्छा वैसे ना जब गर्मी आती है ना तो इंसान कहता है कि सर्दी आ जाए, सर्दी आती है तो इंसान कहता है गर्मी आ जाए। बंदे को किसी हाल में भी सुकून नहीं है। किसी हाल में भी खुश नहीं रहता इंसान, लेकिन खुश रहना चाहिए। खुश ऐसे रहना चाहिए कि आप दूसरों की खुशी में खुश रहें। जब इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जाता है ना तो इंसान ऑटोमेटिकली उसकी टेंशनें भी बहुत सारी कम हो जाती हैं और वो खुश रहना शुरू कर देता है। तो आप कहेंगे ये लेक्चर देना शुरू कर दिया इसने। नहीं, बस मैं अच्छी बात आपसे शेयर कर रही थी, बात से बात निकली तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त, आलू चिकन। तो उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन था, और 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज चॉप कर लिए थे, और 2 से 3 टमाटर थे, छोटे हों तो 3, बड़े मेरे दरमियाने साइज़ के थे तो मैंने 2 ले लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। मैंने आधा ग्लास पानी डाला था, आप लोग भी इतना ही डालिएगा अगर बनाएंगे तो, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ते हैं ना इसलिए। अब ये देखें, अब मैं ऑयल डाल के इसको भून रही हूँ। पानी खुश्क हो गया था तकरीबन, और इसमें मैंने बड़ी इलायची डाल दी और दालचीनी डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जब भून लूँगी तो फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। अच्छा बाज़ लोग प्याज ब्राउन करके भी बनाते हैं ना, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें आपने कोई खुश्क धनिया, कोई ज़ीरा कुछ नहीं डालना। अब यहाँ पे मैं ना आपको मसाले की कंडीशन चेक करवा रही थी कि क्या हालत हो गई है मसाले की भून भून के। अच्छा कभी मैंने आपको पहले भी बताया कि दरमियान में कभी भी चमचा नहीं चलाते, साइडों पे चलाते हैं, उससे फिर आपकी जो वो आपकी नहीं जो मुर्गी की बोटी है ना वो नहीं टूटेगी। अब आलू कम थे तो मैंने थोड़े से और डाले हैं। आलू डाल के तकरीबन 10 मिनट आपने भूनना है, उसके बाद आपने पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधा घंटा। आपकी मर्जी है, आप शोरबा थिक रखना चाहते हैं तो, मैंने थोड़ा सा पतला रखा था क्योंकि मुझे पतला पसंद है आलू गोश्त का शोरबा। तो अभी बस मैं इसको भून रही हूँ, फिर मैं इसमें पानी लगा दूंगी। मुर्गी भी बेचारी मेरे से तंग आ गई होगी। अब जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखें कि बोटी नहीं उतरी लेग पीस से ना। तो ये छोटी छोटी बस टिप्स होती हैं, ये फॉलो करनी, खाना अच्छा बन जाता है। बस दिल से जो भी इंसान चीज़ बनाए सब कुछ ही अच्छा बनता है, बात दिल की होती है। जब आपका दिल नहीं ना होता तो कुछ भी अच्छा नहीं बनता, कोई काम ठीक नहीं होता। दिल हो तो सब कुछ अच्छा बनता है, नीयत होनी चाहिए हर काम के लिए। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैंने तकरीबन 3 ग्लास इसमें पानी डाला था। अब ये आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूं कि क्या कंडीशन हो गई है। अब मैं इसमें, मैं शान का ज़ाफ़रानी गरम मसाला इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जब मैंने गोश्त के वो सारा मसाला और पानी डाला था ना, तब मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली थी, मैं बताना भूल गई हूँ। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, और आलू देखा मैंने आपको दिखाया कि गल गए हैं बिल्कुल। अब ये चाय का टाइम हो गया, खाना मैंने खा लिया था,
तो मैंने कहा कि चाय पीते हैं, फिर मैं चाय बनाने लग गई थी। आप मेरी स्पीडें चेक करें। ले जी, चाय तो मेरी बन गई है, तो अब मैं चाय पीऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। लाइक करना आप भूल जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।